नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो फाइनली देखिए, आज हमने देखा बैंक निफ्टी में एक, हमने सुबह के टाइम में जो एक घंटा था या डेढ़ घंटा था उसमें हमने एक अप मूव देखी और अप मूव के बाद फाइनली देखिए हम रेजिस्टेंस के आसपास गए। वो रेजिस्टेंस ने प्राइस को वहाँ से रिजेक्ट किया और उस प्राइस को रिजेक्ट करने के बाद हम वहाँ से कम 1000 पॉइंट्स नीचे की तरफ गिरे। देखिए जो बिल्कुल आज मार्केट में मूव हुई है, बिल्कुल सेम यही मूव, बिल्कुल यही सेम यही एनालिसिस कल मैंने एक वेबिनार किया था। उन वेबिनार में स्टूडेंट्स लोगों को बताया था कि मार्केट कल बिल्कुल इस तरह से, जो मैंने बताया था कि इस तरह से मूव कर सकती है और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से मूव हुई। यही देखिए मैंने एनालिसिस, मेरे पास जो पर्सनल स्टूडेंट्स जो मेरे पास ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को भी कल शाम को मैंने ये बातें बताई थी कि मतलब इस तरह से मार्केट में हो सकता है और एग्जैक्टली सेम तरीके से हुआ। उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है और जो भी मेरे पर्सनल क्लासेस जो ले रहे हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे क्योंकि उन्होंने एनालिसिस को फॉलो किया होगा और अच्छा ट्रेड लिया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो कैंडल आज बनी हुई है तो इस कैंडल का देखिए जो हाई लगा वो 36650 का लगा, जो लो लगा वो लो लगा 35590 के आसपास। मीन्स हम यहाँ पर 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स हम नीचे की तरफ गिरे। अब देखिए हम यहाँ से बाउंस बैक नीचे की तरफ से, जब हम यहाँ पर नीचे गिरे 35590 के आसपास, तो यहाँ से बाउंस बैक होने का कारण अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, तो इस सपोर्ट एरिया से हम यहाँ पर बाउंस बैक हुए। चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लॉजिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आप भी इस तरह से ट्रेड कर सकें, एनालिसिस कर सकें और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में, हम 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं और 15 मिनट के चार्ट में हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैं आपको जो लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां पर क्या कर रहे थे, अगर हम पीछे की तरफ थोड़ा चलें, हम यहां पर एक रेंज बना रहे थे। ये देखिए यहां पर हमने एक रेंज बनाई और फाइनली देखिए हमने यहां पर जो है रेंज का ब्रेकआउट किया था। ये देखिए एक ऊपर की जो रेंज बनी थी वो 36500 की थी और नीचे की रेंज जो है 35500 की थी। मींस ये 1000 पॉइंट्स की रेंज थी और ये 1000 पॉइंट को देखिए जब हमने ब्रेक किया, इस रेंज को हमने ब्रेक किया, रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो यहां से हमको 1200 पॉइंट्स की इजीली मूव हमको मिली। अब देखिए कल के सेशन में क्या हुआ था, देखिए ये पिछले सेशन की बात करनी जरूरी है तभी आप लोगों को चीजें पता चलेंगी। अब पिछले कल के सेशन में क्या हुआ था, अब मैं यहां से आप लोगों को एक और सपोर्ट रॉक दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक सपोर्ट था और इस सपोर्ट के आसपास हम बार बार बाउंस बैक हो रहे थे। तो यहां पर देखिए कल की जो यहां पर मूव है, हम इस सपोर्ट के पास आकर गिरे, यहां से बाउंस बैक हुए, अगेन इस सपोर्ट के पास आए, यहां से बाउंस बैक हुए, अगेन इस सपोर्ट के पास आए, यहां से बाउंस बैक हुए। तो हम इस सपोर्ट से हम बार बार बाउंस बैक हो रहे थे और कल फाइनली देखिए जब हमने इस सपोर्ट को ब्रेक किया था तो हम नीचे की तरफ गिरे थे। अब देखिए अब मैं इसी सपोर्ट को मैं आगे की तरफ ड्रॉ करूंगा और यहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में किस तरह से आज मूव हुई है। तो चलिए अब मैंने सपोर्ट को आगे की तरफ बढ़ा दिया है। अब देखिए मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को क्लियर कट बता दिया था कि यहां पर मे बी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। अब देखिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हुई और देखिए अब ये जो सपोर्ट जो था यहां से बार बार बाउंस बैक हो रहा था। मीन्स जब भी हम इस लेवल के आसपास आते थे हम यहां से ऊपर की तरफ चले जाते थे, बैंक निफ्टी बार बार ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा था। तो जो ये सपोर्ट था अब वो सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। क्यों रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और जब भी सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हैं, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। सो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका था। देखिए कल जब हमने इसको ब्रेक किया, ये ब्रेक करने के बाद हम अगेन ऊपर की तरफ गए। क्यों ऊपर की तरफ गए, हमको ये रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ गए। इसको रीटेस्टिंग बोली जाती है, जब भी मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ जाए या फिर ब्रेकआउट के बाद नीचे की तरफ आए तो उसको रीटेस्टिंग कहते हैं। मींस वहां पर मार्केट उस लेवल को एक बार दोबारा टेस्ट करने आती है और फिर कंटिन्यू अपने मूव में, कंटिन्यू अपने ट्रेंड को जो है फॉलो करती है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, अब ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ये जो सपोर्ट था हमारे पास जहां से हम बार बार बाउंस बैक हो रहे थे, ये सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका था। ये हमारे लिए कल ही बन चुका था क्योंकि कल इसका ब्रेकआउट हो चुका था, ब्रेकडाउन हो चुका था। अब देखिए यहां पर जो मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को बताया था, जो वेबिनार में बताया था कि यहां पर मे बी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है क्योंकि डाटा क्लियर कट इंडिकेट कर रहा था कि यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। सो यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होगी और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम इस लेवल के पास जब भी आएंगे, चाहे हम वो 10 बजे आए, चाहे वो 11 बजे आए, चाहे वो 12 बजे आए, हम जब भी इस लेवल के पास आएंगे तो यहां से हम एक जबरदस्त गिरावट देखने वाले हैं। देखिए हम ऊपर की तरफ हम कब बुलिश थे, देखिए मैंने दूसरा बाइंग की तरफ का मैंने भी बताया था कि बाइंग का भी सिनेरियो मैंने बताया था कि जब हम इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन आप यहां पर देख रहे हैं, अब मैं इसको बड़ा करता हूं,
अब यहां पर देखिए ये हमारी कल तक की मूव है जो यहां तक की कैंडल आप देख रहे हैं। मैंने ये चीज बताई थी कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ हमने क्लोजिंग दे दी तो उस कैंडल के बाद हमको बाइंग के लिए जाना है और हमारा यहां पर टारगेट जो है 37,500 से 37,700 के आसपास हो सकता है। बट दूसरी चीज मैंने बताई थी कि यहां पर गैप डाउन होने के बाद जब भी हम इस एरिया के पास आकर कहीं शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखे या फिर कोई भी आपको कंफर्मेशन मिले सेलिंग की तो वहां पर आप क्लियर कट सेल करिए, क्योंकि यहां पर एक बार जब आएगी मार्केट तो हम यहां पर एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने वाले हैं। तो फाइनली देखिए हमने यहां पर 1,000 पॉइंट्स का जबरदस्त डाउनफॉल देखा और आज हमने नियर अबाउट हमने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बनाए। शायद 2-4 ट्रेड ऐसे रहे होंगे जिसमें 1:2, 1:3 बुक किया, ऑलमोस्ट हमने जो है 1:5, 1:10, 1:15 तक भी आज गए हैं क्योंकि हमने ये मूव जो है कंटिन्यू जारी रखी और ये एनालिसिस हमने कल करके रखी हुई थी। देखिए आपको अपने इंट्राडे की तैयारी करनी है तो आपको एक दिन पहले एनालिसिस करके रखनी होगी, आपको एक दिन पहले आपको अच्छी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखने होंगे, सारी चीजें आपको प्लानिंग पहले करनी होगी। ये हमारी प्लानिंग पहले की थी सो इसलिए आज हमने इतना बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। अगर ये हमारे पास प्लानिंग नहीं होती तो हम इंट्राडे में अपनी प्लान नहीं बना सकते, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। सो प्लानिंग पहले से बनाकर रखिए, उसके बाद ट्रेड करिए। देखिए अब यहां पर देखिए मैं कंटिन्यू आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर रहा था और उम्मीद करता हूं कि आपने अगर चार्ट फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस टेलीग्राम चैनल में। देखिए मैं कंटिन्यू आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पोस्ट करते रहता हूं घंटे घंटे पर, आधे आधे घंटे पर। वहां पर कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, मार्केट कहां पर अभी खड़ी है, रेजिस्टेंस पे है या सपोर्ट पे है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को अलर्ट करते रहता हूं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ये बनाया गया चैनल आप लोगों की काफी हेल्प कर रहा होगा एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए। तो देखिए फाइनली जो हमने आज एक्सपेक्ट किया था सेम वो मूव हुई, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे और एक बार मार्केट गैप डाउन होने के बाद जब यहां पर आकर हमको शूटिंग स्टार बने या फिर कोई भी कंफर्मेशन मिलेगी तो हम यहां पर सेलिंग के लिए जाएंगे और क्लियर कट हमारा टारगेट जो था यही था। जहां पर ये देखिए अब हम पीछे आते हैं, अब ये जो हमारे पास रेंज बनी हुई है ये हमारा रेंज जो ये सपोर्ट थी यही हमारा टारगेट था और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम देखिए ऑलमोस्ट के हम बिल्कुल प्रॉपर यहां पर अपने सपोर्ट के पास यहां पर आए और सपोर्ट पर आने के बाद हम यहां से अब बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जो सपोर्ट होते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं, अगर आपने एक्यूरेट ड्रॉ करके रखे हुए हैं, अगर आपको एक्यूरेट ड्रॉ करना आता है तो आप पैसे बना लेंगे। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई भी लेवल अगर अच्छे से ड्रॉ करने नहीं आता है, अगर आपके लेवल गलत ड्रॉ होंगे तो आपकी एंट्री गलत होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप वहां पर पैसे लूज करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है, हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन को मैं अब आगे की तरह एक्सटेंड कर रहा हूं। अब देखिए अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एक बार देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद हम यहां से एक बार फिर रिवर्स होने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास हम आ रहे हैं ध्यान से देखिएगा, एक बार हम यहां पर आए हैं, यहां पर हम रिवर्स हुए हैं, एक बार यहां पर आए हैं अगेन रिवर्स हुए हैं, यहां पर आए हैं अगेन रिवर्स हुए हैं। अब हम यहां पर पांचवीं बार जो है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। देखिए अगर हम यहां पर ट्रेंड लाइन के आसपास आकर अगर आपको कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो आप यहां पर इस छोटे से टारगेट मतलब यहां पर टारगेट हमारा होना चाहिए इस ट्रेंड लाइन से लेकर के ये जो हमारा 35,600 का लेवल है यहां तक, मींस यहां से अगर आपको शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है 36,000 के आसपास मिलती है तो मे बी यहां से 400-500 पॉइंट्स का आपको टारगेट यहां पर मिल सकता है। दूसरा अलर्ट रहिएगा क्योंकि यहां पर मल्टी टाइम टेस्टिंग हो चुकी है इस ट्रेंड लाइन की, सो यहां पर ये लेवल ब्रेक हो सकता है। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन को देखिए कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे। यहां पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने के बाद देखिए हमारा मान लीजिए यहां पर क्लोजिंग आती है 36,350 के आसपास आती है तो हमारा अगला टारगेट ये रहेगा 36,720 का। तो ये 36,700 और 36,720 हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल है इस टाइम, ध्यान से देखिएगा। ये जो 36,720 का ये लेवल वही लेवल है जो देखिए कल यहां पर ब्रेक हुआ था, जो सपोर्ट था जहां से हम बार बार बाउंस बैक कर रहे थे ये वही सपोर्ट एरिया है जो हमारे लिए अब रेजिस्टेंस बना हुआ है। देखिए एक बार हमने कल यहां पर रेजिस्टेंस लिया, आज हम गैप डाउन ओपन हुए यहां पर अगेन रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आए, सो इस लेवल पर आने के बाद अगेन एक बार सेलिंग एक्टिव हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, नजर बनाकर रखिएगा इस एरिया में, अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो अगेन हम यहां पर 1,000 पॉइंट्स की मूव, 700 से 800 पॉइंट्स की मूव हम यहां पर कंटिन्यू देख सकते हैं। तो यहां पर ये हमारा सेलिंग जोन है, जब तक हम इस एरिया को ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करते तब तक हमको बाइंग के लिए नहीं जाना है। हाँ यहां पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ब्रेकआउट होने के बाद अब देखिए मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस एरिया है हमारे लिए, एक तो ये इसको रेजिस्टेंस फेस कराएगा, दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे पास ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहां पर हमारे पास दो रेजिस्टेंस एरिया है, मान लीजिए यहां पर ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो यहां पर हमको 200 से 250 पॉइंट्स की मूव हमको यहां पर मिल सकती है। देखिए अगर कोई ट्रेड बनता होगा तो मैं आप लोगों को मंडे को टेलीग्राम चैनल में
पोस्ट कर दूंगा। बाकी चार्ट जो है वो मैं आप लोगों को कंटिन्यू पोस्ट करते रहूंगा कि अभी आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, क्या करना है। मेन हमारे पास हर्डल जो है ये 36,700 का है। 36,700 कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करे, उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर सही तरीके से बाइंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद हम यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। जब ये ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो हम यहाँ पर रिवर्स हो सकते हैं, नीचे की तरफ आ सकते हैं, या फिर जब भी 36,700 लेवल के आसपास यहाँ पर मिलेगी तो हम यहाँ से अगेन यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। प्रॉपर बाइंग जो है 36,700 की क्लोजिंग के ऊपर ही हमको मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम फाइनली आ गए हैं एक्सिस बैंक के चार्ट में। अब देखिए एक्सिस बैंक का चार्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आप देख रहे हैं इसकी जो हाई है ये देखिए 798 के आसपास है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब तक देखिए कोई कैंडल ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल को उसका हाई क्रॉस करना होता है, तब हम वहाँ पर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो अगली कैंडल रेड बनी हुई है, इसने इसका हाई क्रॉस नहीं किया है। अब जब तक हम 800 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं जाने वाले हैं। मे भी देखिए कल यहाँ पर मंडे के सेशन में अगर 740 का लेवल ब्रेक होता है तो अगेन हम इसी रेंज में आने वाले हैं जिस रेंज से हम निकलकर ऊपर की तरफ गए थे। 740 को ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए 720 के टारगेट के लिए आ सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा बंधन बैंक है। तो बंधन बैंक में देखिए मैं आपको बताया था कि 350 से 355 का लेवल एक हर्डल है, एक रेजिस्टेंस है। हम जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। अब ऊपर की ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और नीचे की ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए काम करेगी। अब ये ट्रेंड लाइन अगर कल ब्रेक होती है मंडे के सेशन में तो हमारा टारगेट ये जो है नीचे की तरफ से जो ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करके रखी हुई ये ट्रेंड लाइन ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए हम 335 को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं इंट्राडे में तो यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो 325 के आसपास का होने वाला है। अगला स्टॉक देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा मैं देखता नहीं, पर फाइनली चलो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 100 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जब तक 100 को ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं करता तब तक यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं देखना है। अगला स्टॉक हमारा HDFC बैंक है। HDFC बैंक देखिए मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पर बताया था कि यहाँ देखिए मैं चार्ट बड़ा कर रहा हूँ। अब देखिए एक बार हम यहाँ पर गए, यहाँ पर से हम रिजेक्ट हुए, प्राइस रिजेक्ट हुआ। अगेन यहाँ पर प्राइस यहाँ पर देखिए 1625-1630 के आसपास गया, यहाँ पर अगेन प्राइस रिजेक्ट हुआ। मीन्स यहाँ पर क्या एक्टिव हुआ, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न एक्टिव हुआ और डबल टॉप पैटर्न एक्टिव होने के बाद मैंने ये बताया था कि जब तक हम प्रीवियस स्विंग नहीं करते, लो ब्रेक नहीं करते तब तक नीचे की तरफ नहीं जाना है। फाइनली देखिए यहाँ पर जो ये कैंडल है इसने ब्रेक किया कल के सेशन। देखिए कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि कल मैं ऑलरेडी एक 4 घंटे के वेबिनार में बिजी था और उसके बाद पर्सनल क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती हैं, तो वो मेरे पास 4 बैच हैं तो उनको भी क्लियर करना होता है। सो इसलिए कल मेरे पास टाइम नहीं था, सो मैं आप लोगों को मैं वीडियो नहीं बना के दे पाया। अब यहाँ पर देखिए फाइनली इसको हमने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए ड्रॉ करके रखी हुई है, ये बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे वीकली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन है, तो मे बी देखिए हम यहाँ पर आ सकते हैं जो 1500 का लेवल है, 1500 से 1510 के आसपास आ सकते हैं अगर हम आज का लो ब्रेक करते हैं। 1530 का लेवल ब्रेक करने के बाद हम 1500 या 1510 के टारगेट के लिए आ सकते हैं। 1500 से या 1510 से एक बार फिर यहाँ पर जो है बाउंस बैक होने की कोशिश करेगा HDFC बैंक। अगला स्टॉक देखते हैं ICICI बैंक भी देखिए यहाँ पर फाइनली इसने अपना मेगाफोन चार्ट पैटर्न यहाँ पर ब्रेक किया और मेगाफोन चार्ट पैटर्न ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरह। अब देखिए अब इसका जो प्रीवियस स्विंग था उसके आसपास कहीं आने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिएगा ये एक सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया पर आने के बाद यहाँ पर बाउंस बैक हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, एक तो इसका सपोर्ट है, दूसरा यहाँ पर जो मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रा किया हुआ है इसका सपोर्ट है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 सपोर्ट हैं, इस सपोर्ट से बाउंस बैक हो सकता है। अगर देखिए रेड कलर की ट्रेंड लाइन को अंदर की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी तो अगेन हम इसी मेगाफोन चार्ट पैटर्न के अंदर आकर फंस जाएंगे और इसी के अंदर अगेन फिर दोबारा सस्टेन करेंगे। तो नजर बनाकर रखिएगा, कल को इसको सेलिंग बिल्कुल नहीं देखना है। मे बी यहाँ पर देखिए 605 से लेकर 610 ये सपोर्ट जोन है, इस एरिया से आकर यहाँ पर जो है बाउंस बैक हो सकता है, नजर बनाकर रखिएगा। अगला स्टॉक देखते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ और बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। मीन्स देखिए हमको ब्रेकआउट में क्या देखना होता है, एक कैंडल का साइज देखना होता है, दूसरा वॉल्यूम देखना होता है, तीसरा कुछ डाटा वगैरह देखना होता है, चौथा टेक्निकल एनालिसिस अपनी देखनी होती है। तो ये 4-5 कन्फर्मेशन के बाद जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा ट्रेड जो है बहुत अच्छी तरीके से हमको प्रॉफिट देकर जाता है। अब यहाँ पर हमने ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं। अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, कौन सा लेवल, ये है 1090 का लेवल, 1085 से लेकर के 1090 का लेवल एक रेजिस्टेंस का एरिया है। देखिए अगर आप बहुत सेफ चलना चाहते हैं तो 1100 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, क्योंकि देखिए 1100 का जो लेवल है वो एक राउंड फिगर लेवल है, जब 1100 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। हाँ बट अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस रखकर आप 1090 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में भी अगर 1090 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर टारगेट हमारा 1100
1110 और 1120 का होने वाला है। अगला स्टॉक देख लेते हैं कोटक बैंक। अब कोटक बैंक भी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल सेम जैसा मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले अभी ICICI बैंक में दिखाया था। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस के पास हम नीचे की तरफ आए, फाइनली देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमको देखिए अगेन, क्योंकि यहाँ से हम एक बार रिजेक्ट हो चुके हैं, सो यहाँ पर अभी हम नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। नज़र बनाकर रखिएगा, ये जो प्रीवियस स्विंग है इसके आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। 1925 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 1850 के आसपास होने वाला है। सो नज़र बना के रखिए, ये लेवल मंडे के सेशन में ब्रेक हो सकता है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी अभी कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रही है। HDFC बैंक, कोटक बैंक तो ICICI बैंक, ये तीन ऐसे बैंक हैं जिनकी वेटेज बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। ये जाकर आप NSE के डाटा पर भी चेक कर सकते हैं, या फिर NSE के डाटा को डाउनलोड कर वहाँ पर आप देख सकते हैं किस बैंक की कितनी वेटेज है। अदरवाइज मैं इसको जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा वहाँ पर। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं, पंजाब नेशनल। अच्छा इसको तो मैं देखता हूँ, चलिए फाइनली मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। आज हमने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी है। सो अगर जब तक हम यहाँ पर 46 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ऊपर नहीं जाना है। मे बी यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बन चुकी है, अगर ये 41 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 38 का टारगेट देख सकते हैं इंट्राडे में। अगला स्टॉक है हमारा RBL बैंक। RBL बैंक देखिए अब यहाँ पर नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ है, यहाँ पर मैं चार्ट बड़ा करूँगा दिखाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है, जब जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम आते हैं यहाँ से बाउंस बैक करते हैं। देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, 5 बार देखिए हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए हैं और 5 बार यहाँ से बाउंस बैक हुए हैं। नज़र बनाकर रखिएगा, यहाँ पर जो है प्रीवियस स्विंग के आसपास हैं, 239 का 238 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम अगेन इसी ट्रेंड लाइन के पास आ सकते हैं। ये हमारा 220-222 के आसपास का हमारा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद अगेन हम यहाँ पर बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, जब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमको एक बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। 238 के नीचे निकलता है इंट्राडे में, तो यहाँ पर 220-222 के टारगेट के लिए आप RBL बैंक को ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए यहां पर एक मेगाफोन चार्ट पैटर्न बना, मेगाफोन चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, और देखिए मेगाफोन चार्ट पैटर्न के जब भी ब्रेकआउट होते हैं तो वो बहुत जबरदस्त होते हैं, इस चीज पे को ध्यान रखिएगा, इस चीज पे स्टडी भी करिएगा। देखिए बहुत लोगों को मेगाफोन चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पता होगा बट मेगाफोन चार्ट पैटर्न जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को मैं एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वहां पर जाके वीडियो देख लीजिएगा या फिर मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो हाई लगा, इसका जो हाई लगा वो 407-408 के आसपास लगा हुआ है। तो जब तक हम इस लेवल को देखिए ऊपर की तरफ हमने क्रॉस किया, जब तक देखिए यहाँ पर प्रॉपर 410 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। जब तक हम 410 के ऊपर क्लोजिंग, सॉरी 415 के ऊपर जब तक हम यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ जाने वाले नहीं हैं। सो यहाँ पर नज़र बनाकर रखिएगा, यहाँ पर नज़र, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए एक पैटर्न यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि देखिए जब भी यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करे, ऊपर की तरफ सस्टेन ना हो पाए तो उसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, और जब हम नीचे की तरफ यहाँ पर जब इसका लो ब्रेक करेंगे, मीन्स यहाँ पर ये जो कैंडल जो इसने गैप अप किया था 5 फरवरी को, इसका हाई जो है वो हाई 408 का लगा हुआ है और जो लो लगा है 385 का। अगर एक बार हम यहाँ पर 385 को नीचे की तरफ हम ब्रेक कर गए तो हम यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरने वाले हैं। स्टेट बैंक पर नज़र बनाकर रखिएगा। मैं तो देखिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, बट ये ऊपर की तरफ निकल गया। मेरे को ये था कि देखिए जैसे 385 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो मैं यहां पर एंट्री लूंगा पोजीशनल, मैं यहां पर जो है फ्यूचर को यहां पर शॉर्ट करूंगा। बट यहां पर देखिए ये ऊपर की तरफ निकला बट ये जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पाया है। देखिए ये देखिए जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 410 का लेवल जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो 410 के लेवल के ऊपर यहां पर जो कैंडल बनी वो कैंडल की क्लोजिंग नीचे की तरफ आ गई और आज भी हम नीचे की तरफ यहां पर क्लोज हुए हैं। अब देखिए जब तक हम 385 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करते तो यहां पर बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। मे भी देखिए अगर यहाँ पर आज का हम लो ब्रेक करते हैं, मीन्स 394 का लेवल यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो हमारा टारगेट 385 का होने वाला है। मीन्स यहाँ पर हमको तो 2-3% की मूव हमको यहाँ पर मिल सकती है। बट नज़र बनाकर रखिएगा, 385 के नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोजिंग दे दे आप यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेड बना सकते हैं, और यहाँ 385 के बाद हम यहाँ पर एक इसमें ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने वाले हैं। मे बी हमको 4-5% की मूव इंट्राडे में मिल सकती है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।